हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखेंगे फिलहाल मार्केट में जब शुरुआत आज हुई थी तो फ्लैट शुरुआत जो है मार्केट में आज आपको होती हुई देखने को मिली थी, उसमें कोई खास उतार चढ़ाव थे नहीं। लेकिन अभी हुआ क्या है, आज ही की मैं अगर बात करूँ तो आज जो है आपको ओवरऑल मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। शुरुआत से भी अगर हम देखें, मार्केट शुरू में नॉर्मल था, धीरे धीरे करके आपको गिरता हुआ ही दिखाई दिया है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो सिचुएशन है मार्केट की वो कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली, लगातार एक तरफा आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। आज आखिरकार मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हुई, क्योंकि एनर्बर्ग मामला तो लगभग कल निपट गया था, वहाँ से ऐसी दिक्कत हुई भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज क्यों गिरावट हुई उसके बारे में जानेंगे। इसके कारण क्या है ये देखेंगे। मार्केट में अभी ज़्यादा पोजीशन रखना कहीं बहुत बड़ा कोई रिस्क तो नहीं है, आज की इस वीडियो में उसके बारे में भी जो है चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने इंडियन मार्केट ही लगा दिया, निफ्टी 50 देख पा रहे हैं आप। शुरुआत में फ्लैट हुई थी लेकिन धीरे धीरे करके गिरता ही चला गया। एंड अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग आधा घंटा ही बाकी है, ज़्यादा समय बाकी नहीं बंद होने में। एंड मार्केट लगभग अपने दिन के निचले स्तर पर है, देख पा रहे हैं बिल्कुल ही बिल्कुल लास्ट लेवल पर आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। और अभी मार्केट में आधा घंटा समय बाकी है, हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी हो जाए या जो भी हो, आधे घंटे में कुछ ना कुछ तो होगा, तो हो सकता है या तो रिकवरी हो जाए या फिर और नीचे चला जाए, वो तो देखने वाली बात होगी। जब मार्केट बंद होगा तब एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो श्योरली आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें निफ्टी के अलावा, ये देखिए मैंने आपके सामने इंडियन इंडाइसिस लगा दिए हैं। यहाँ देखो, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है सेंसेक्स लगभग 1% के आसपास की गिरावट है, 0.1% मानिए। निफ्टी का भी लगभग वही हाल है, बैंक निफ्टी लगभग 1.5% के आसपास, मिड कैप 100 में लगभग 0.5% से थोड़ी सी ज़्यादा। अगर आप आज के टॉप गेनर्स देखोगे, सबसे पहले तो मैं ना आपको दिखाना चाहूँगा एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। 625 के सामने 1742 डिक्लाइन है, तो डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो अच्छा नहीं है। वहीं आज के टॉप गेनर्स बलरामपुर चीनी, ओरो फार्मा, डिक्सन टेक एंड मारिको, ये आपको टॉप गेनर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर टॉप लूजर्स देखें तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी की हालत ख़राब है। आरती इंडस्ट्रीज 15% डाउन है दोस्तों, कितना 15%, एक भारी गिरावट आप मान कर चलिए आरती इंडस्ट्री में नजर आ रही है। आगे चलें, चंबल फर्टिलाइजर 6% से ज़्यादा, जाइडस लाइफ 6%, दीपक नाइट्रेट लगभग 6%। तो आज ये तो पक्की है कि इन कंपनीज की तो हालत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, जो केमिकल या फिर मतलब इन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी दिखाई दे रही, ठीक है। वहीं और गिरावट तो पूरे के पूरे मार्केट में ही वैसे तो नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इंडाइसेस बेसिस पर और देखें डीप में तो स्मॉल कैप क्या कह रहा है वो भी एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मॉल कैप 100 1% से ज़्यादा डाउन है, मिड कैप का तो आप देख ही रहे हैं। इंडियाविक्स 16 के आसपास है एंड 1.26% तेज है, मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। सेक्टोरियल बेसिस पर अगर आप देखोगे तो फिलहाल तो आईटी के सिवा कोई हरा दिखाई दे नहीं रहा, आईटी में एक हरे निशान में है, लेकिन तेजी तो इसे भी नहीं कही जा सकती। लेकिन बाकी जितने भी इंडाइसेस हैं आपको सब लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड हेल्थ केयर और आपको हरे निशान में नजर आ रहा है। तो ये है भारतीय मार्केट की फिलहाल की स्थिति, जो कि बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब बात निकल कर आती है कि ये स्थिति जो भारतीय मार्केट की नजर आ रही है, ये यहाँ से क्या और गहराती हुई दिखाई देगी या सिचुएशन यहाँ से नॉर्मल होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से सिचुएशन जो है और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे और जो गिरावट है वो कहीं और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई ना दे, ये एक टेंशन भरी बात ज़रूर निकल कर आती है। सबसे तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी का जो सबसे हैवी वेट है वो है दोस्तों HDFC बैंक। इसने भी निफ्टी पर दबाव तो बना कर रखा ही है, लगभग 3% नीचे है। MSCI ने इस पर वेटेज अपना बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर रखा है 2 ट्रांचेज में, इस वजह से भी आप यहां पर देख पा रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर आपको HDFC बैंक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंड उसके चलते आपको निफ्टी में भी प्रेशर नजर आ रहा है। दोस्तों, आज जो मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसमें एक वजह ये भी दिखाई दे रही है चाइना वाली। चाइना सपोर्ट्स ईरान इन डिफेंडिंग सिक्योरिटीज सेज फॉरेन मिनिस्टर। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है
ईरान को सपोर्ट करेंगे। जो इसराइल ईरान का बीच में तनाव चल रहा है, इसमें इन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि हम जो हैं ईरान को सपोर्ट करेंगे, अगर इन केस वहाँ पर तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये बात फिलहाल आपको देखने को मिल रही है, ये निकल कर आ रही है और ये एक बड़ी वजह बनी हुई है। अगर आप देखो तो एक बड़ी वजह बनी हुई है कि ग्लोबल टेंशन जो ख़त्म तो ऑलरेडी नहीं हो रही थी, बल्कि वो आपको थोड़ा बहुत बढ़ती हुई ही देखने को मिल रही है। तो ये समस्या जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है और ये समस्या स्पेशली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसने माहौल को थोड़ा सा टेंशन भरा बना रखा है, ये बात तो तय है। और जिसके चलते आपको अभी मार्केट में काफ़ी हद तक और ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मार्केट यहाँ से और गिर सकता है, ये बात कहा जा रहा है। दोस्तों मार्केट के एक्सपर्ट जो है अनिल सिंह भी, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी मार्केट में आपको थोड़ी सी पेशेंस ही बरतना चाहिए, ज़्यादा तेज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलरली इंडेक्स बेसिस पर निफ्टी की भी बात करें तो देखो अभी बात करते करते यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी और आपको गहराती हुई दिखाई दे तो रही है। अभी मार्केट के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं एक अगर सपोर्ट की बात करूँ तो जो एक मेजर सपोर्ट है दोस्तों वो 23,880 पर बनकर आता है। अगर वो सपोर्ट निकलता है तो गिरावट यहाँ से हो सकता है और ज़्यादा आपको गहराती हुई दिखाई दे, लेकिन फिलहाल तक अगर आप देखोगे तो ऐसा कहीं कोई ज़्यादा समस्या वाली बात फिलहाल नहीं है जब तक ये लेवल नहीं टूटते। बाकी जैसे 1% की गिरावट तो अपने आप में अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज वाइज देखेंगे तो मूविंग एवरेज वाइज मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल अगर आप इसे 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे देखोगे तो ये ऑलरेडी 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे तो ये फिसल ही चुका है। ये बात तो पक्की है कि 20 दिन के मूविंग एवरेज से जब से नीचे गया तब से, तो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अपने आप में थोड़ा सा कमज़ोर तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अगर इसे हम 20 की जगह 50 दिन के मूविंग एवरेज पर देखें तो इसने पहले भी सपोर्ट लिया है और अभी इसके जो 50 दिन के मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट नीचे हैं, 100 पॉइंट नीचे 50 दिन के मूविंग एवरेज के लेवल हैं। तो अगर ये उससे सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 50 दिन के भी नीचे अगर फिसल गया तो श्योरली यहाँ से थोड़ी सी और कमजोरी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक वो नहीं टूटते लेवल तब तक तो उम्मीद यही करेंगे कि वो लेवल ना टूटे तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, कम्प्लीटली बात हो गई ओवरऑल मार्केट के हालचाल के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।